और अब बात करते हैं रीवा जिले की, जहां अल्प वर्षा के चलते जिला सूखे की कगार पर पहुंच गया है। कम बारिश होने के चलते किसान अपनी फसल की बुवाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि सभी नहरों में बाढ़ सागर का पानी छोड़ा जाए। किसानों की समस्या को देखते हुए किसान नेता सुब्रत त्रिपाठी ने प्रशासन से मांग की है कि सभी नहरों में पानी छोड़ने के साथ साथ जले हुए ट्रांसफार्मर की जानकारी जुटाकर उन्हें अतिशीघ्र प्रशासन बदले, जिससे किसान अपनी फसल की बुवाई कर सके। आपको बता दें कि किसान का रोपा तैयार है, लेकिन पर्याप्त बारिश न होने के चलते रोपा लगाई का कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते अन्नदाता की चिंता बढ़ती जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं किसान नेता ने क्या मांग की है। आप देख रहे हैं लगातार रीवा जिले में अवर्षा की स्थिति बनी हुई है। इतनी तेज धूप है, आप देख रहे हैं कितनी तेज धूप है, खेतों में कहीं पानी का अता पता नहीं चलता है। जहां मान लीजिए बिजली दो चार घंटे के लिए आती भी है, तो खेतों में ट्यूबवेल का पानी कहीं अता पता नहीं चलता है। धान की जिन किसानों ने नर्सरी पहले डाल दी थी, वो नर्सरी अब धान लगाने लायक तैयार हो गई है। आखिर किसान जाएँ तो जाएँ कहाँ? बारिश एक तरफ नहीं हो रही है, एक तरफ पूरे बाढ़ सागर का पानी भी, जितना पानी बाढ़ सागर में आया है उतना ही पानी को जिले के समस्त नहरों में अभी नहीं छोड़ा गया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी की थी और जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन अभी सभी नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ये पता लगाया जाए कि रीवा जिले में कितने ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, कितने दिनों से ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, ग्रामीण अंचलों में कितने घंटे बिजली रहती है, कितने घंटे कटौती की जाती है, और कटौती से लेके जले ट्रांसफार्मर का बदलने का काम करवाएं। साथ ही जो अधिकारी लगातार लापरवाही बरत रहे हों ट्रांसफार्मर बदलने में, उनको बदला जाए। किसानों को खेती विहीन ना किया जाए। पुनः हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि किसानों को उनके धान के रोपाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके, इसके लिए जहां भी नहरें हैं उन सभी नहरों में पानी छोड़ा जाए, ग्रामीण अंचलों में 24 घंटे बिजली दी जाए, जले हुए ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदला जाए। साथ ही जिन किसानों के कर्ज हैं, इसी जिन्होंने कर्ज लिए हैं किसान क्रेडिट कार्ड में, जिनके ट्रैक्टरों के लोन हैं, उन सब को थोड़ा सा राहत दी जाए, क्योंकि लगातार खेती में उन्होंने अभी पैसे लगा दिए हैं, लगातार अवर्षा की स्थिति बनी हुई है, पैसे आएंगे कि नहीं, खेती होगी कि नहीं, अनिश्चितता है। किसान कर्जों की अदायगी तो जरूर करेंगे, उनके कर्जों की अदायगी की तारीख बढ़ाई जाए।